दोस्तों टीम इंडिया के लिए सोमवार का दिन और 17 सितंबर की तारीख अपने आप में खास रही। पहले तो रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने एशिया कप 2023 के फाइनल में श्रीलंका को एक तरफा मुकाबले में हराने के बाद खिताब पर कब्जा किया। ये भारतीय टीम की 8वीं एशिया कप की ट्रॉफी है। भारत ने एक बार T20 एशिया कप और 7 बार वनडे एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है, जहां एक और टीम इंडिया ने श्रीलंका को 10 विकेट से बुरी तरह से पीटा। वही दूसरी ओर साउथ अफ्रीका की टीम 5 मैचों की वनडे सीरीज में पहले 2 मैच हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से सीरीज में हराने में कामयाब रही। इन 2 बड़े मुकाबलों के बाद ICC की वनडे रैंकिंग में भी काफी फेरबदल देखने को मिल रहे है। मजे की बात की ऑस्ट्रेलिया की हार और टीम इंडिया की जीत के बाद भी ICC की वनडे रैंकिंग में पाकिस्तानी टीम फिर से नंबर 1 बन गई है। भारत बनाम श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका के बीच हुए मुकाबले के बाद ICC की ओर से वनडे की नई रैंकिंग जारी कर दी गई है। इसमें पाकिस्तान टीम फिर से नंबर 1 टीम बन गई है। ये हाल तब है जब पाकिस्तान की टीम न तो एशिया कप के फाइनल में पहुंच पाई और न ही भारतीय टीम से जीत पाई है। ताजा रैंकिंग की बात करें तो 115 की रेटिंग के साथ पाकिस्तान टीम फिर से नंबर 1 पर काबिज हो गई है। टीम इंडिया की रेटिंग भी इतनी ही यानी 115 की है, लेकिन भारतीय टीम को नंबर 2 पर ही संतुष्ट रहना पड़ा। भारतीय टीम नंबर 2 पर क्यों रह गई, इसका कारण आपको बता दें कि टीम इंडिया ने इस दौरान 41 मैच खेलकर इतनी रेटिंग हासिल की है। वही पाकिस्तानी टीम ने 27 मुकाबले खेलकर ही इतनी रेटिंग पा ली है, जहां टीम इंडिया पीछे है। ODI में जहां टीम इंडिया दूसरे स्थान पर है, वहां टेस्ट और T20 में टीम इंडिया का पहले स्थान पर अपना कब्जा बरकरार है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, एशिया किंग टीम इंडिया घरेलू जमीन पर होने वाले ODI वर्ल्ड कप 2023 को जीतने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? आप अपनी कीमती राय कमेंट कर जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से एक लाइक और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।